Hello friends, this is Mansi from eVidyarthi Church In, and in this session I will guide you how we can use smart object and life shape properties in order to work with different shapes. Confused, aren't you? So let's begin so that you will know what I mean. Sabse pehle to I'll make a guideline. For that I'll go to view tab and yahan pe mere paas option hai new guide layout ka. So if I click on this, to main yahan se choose kar sakti hu jaisa bhi mujhe in guidelines ka layout chahiye. So I'll keep 5 columns and also I need rows, so I'll keep 5 rows and the gutter would be 30 pixels. Fine, moving ahead, again 30 pixels. I also need margins, so I'll keep 50 pixels on the top, 50 pixels on the left, 50 pixels on the bottom and 50 pixels on the right, like this. And yahan pe ek option hota hai clear existing guide. तो अगर आप एक ही डॉक्यूमेंट में या फिर एक ही बार में बार बार गाइड क्रिएट कर रहे हैं तो आप इस पर टिक कर सकते हैं, सो दैट अगर इससे पहले कोई भी गाइड क्रिएट हुआ होगा तो वो अपने आप क्लियर हो जाएगा. सो आई प्रेस ओके एंड नाउ आई हैव दीज रेक्टेंगल शेप्स. तो अगर मुझे यहाँ पे शेप ड्रॉ करनी है तो आई नो कि मुझे इस एरिया में रेक्टेंगल या कोई भी शेप ड्रॉ करना है. फॉर नाउ आई चूज द रेक्टेंगल शेप एंड स्टार्ट ड्रॉइंग. सो आई क्लिक हियर एंड ड्रैग लाइक दिस. फाइन, यहाँ पे मेरे पास लाइफ शेप प्रॉपर्टी का पैनल भी ओपन हो जाएगा. नाउ अब यहाँ पे बार बार शेप ड्रॉ करने की जगह व्हाट आई कैन डू इज मैं इसको कॉपी कर सकती हूँ. फाइन, बट बिफोर दैट आई कन्वर्ट इट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स. सो आई राइट क्लिक ऑन दिस एंड कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट. नाउ मैं जितनी मर्जी इसकी कॉपीज बना सकती हूँ एंड दे विल रिएक्ट इन द सेम वे. सो रेदर देन मेकिंग द कॉपीज फ्रॉम हियर आई यूज द शॉर्टकट. आई चूज द मूव टूल, प्रेस द ऑल्ट की and then drag like this, again like this, one more time and once more. Fine, तो हमने यहाँ पे एक ही शेप से बार बार उसकी कॉपीज बना के 5 डिफरेंट शेप्स क्रिएट कर ली हैं. नाउ आई सेलेक्ट दी शेप्स अगेन. आई प्रेस ऑल्ट एंड मूव इट डाउन लाइक दिस वंस अगेन, वन मोर टाइम एंड द लास्ट टाइम लाइक दिस. सो हमने यहाँ पे इतनी सारी शेप्स क्रिएट कर ली जस्ट विद द हेल्प ऑफ वन शेप. सो आई विल सेलेक्ट द अबव शेप. सबसे पहले जो फर्स्ट शेप थी उसको सेलेक्ट करेंगे एंड देन आई विल गो ऑल द वे डाउन, प्रेस शिफ्ट एंड आई विल सेलेक्ट ऑल दीज रेक्टेंगल्स. जिन जिन लेयर पे वो रेक्टेंगल्स थे मैंने वो सारी सेलेक्ट कर ली हैं एंड नाउ आई विल पुट देम इन अ ग्रुप. सो आई विल प्रेस कंट्रोल जी टू पुट देम इन अ ग्रुप. फाइन, यू कैन ऑल्सो डू दैट बाय गोइंग टू द लेयर मेन्यू एंड यहाँ पे आप इसको ग्रुप लेयर्स पे क्लिक कर सकती हूँ. फाइन, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, व्हाट आई वांट इज बेसिकली यहाँ पे जितने भी मैंने रेक्टेंगल्स बनाए हैं मैं चाहती हूँ ये जो पीछे फ्लावर बाउल है ये इन रेक्टेंगल्स के अंदर आए, बाकी एरिया से हाइड हो जाए. फाइन, सो फॉर दैट सबसे पहले तो मुझे ये वाली जो मेरी बैकग्राउंड लेयर है इसको टॉप पे लाना पड़ेगा. सो आई विल अनलॉक दिस एंड ब्रिंग इट अबव दिस. जब आप इसको मूव करोगे तो यू हैव टू बी केयरफुल, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे रखती हूँ तो आप देखोगे आप मेरा जो हाईलाइट आ रहा है वो पूरे ग्रुप के हर कॉर्नर पे आ रहा है, मींस कि ग्रुप के अंदर चली जाएगी लेयर. सो इफ यू डोंट वांट टू पुट इट इन द ग्रुप आई विल ड्रैग इट अ लिटिल अगेन एंड यू विल सी जब मेरे पास सिर्फ टॉप पे वो लेयर आएगा हाईलाइट आएगा सो आई विल लीव माय माउस. तो अभी उसके टॉप पे आ जाएगा. नाउ व्हाट आई नीड इज अब मैं इसको अगर क्लिप मास्किंग कर दूंगी, यू कैन डू दैट बाय गोइंग ऑन लेयर एंड क्रिएट क्लिप मास्किंग. आप इसका कीबोर्ड शॉर्टकट भी यूज कर सकते हो, दैट इज ऑल्ट कंट्रोल जी. सो फॉर नाउ आई विल क्लिक हियर एंड यू विल सी के यहाँ पे सिर्फ वो अब हमारे पास कहाँ पे शो हो रहा है, जहाँ पे हमने रेक्टेंगल्स ड्रॉ करे थे. आई विल गो टू व्यू एंड क्लिक ऑन शो एंड देन हाइड द गाइड्स बाय क्लिकिंग ऑन गाइड ओवर हियर. सो यू विल सी के हमने यहाँ पे जो हमने शेप्स ड्रॉ करी थी हम सिर्फ इमेज को उसी में ही अपीयर कर रहे हैं. Now, at any time, if you want to change the shape of this, means अगर मुझे यहाँ से ये rounded चाहिए shape, तो what I'll do is, I'll go to group, and जो भी layer है मैं उस पर double click करूँगी. जब मैं उस पर double click करूँगी तो you will see it will appear on a different document. And it is because जैसे कि हम जब smart object के contents को edit करते हैं it's in the same form. So I'll go to properties. एंड आप देखोगे यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ रहा है लाइव शेप प्रॉपर्टी का एंड यहाँ पे मैं चाहूँ तो मैं इसकी एजेस को अगर मुझे यहाँ पे राउंडेड चाहिए सो आई कैन मूव दिस. जब मैं इसको मूव करूँगी तो यू विल सी कि वो राउंडेड आ रहे हैं एंड यू विल ऑल्सो सी कि बिकॉज ये लिंक्ड है इसलिए ये चारों साइड आ रहा है. इफ आई डिक्रीज दिस
टू 0 pixels अगेन एंड अनलिंक दिस. अब अगर मैं इसको ऐसे ड्रैग करती हूँ तो यू विल सी कि सिर्फ ये एक ही कॉर्नर पे होगा. फाइन, आई अनडू दैट अगेन एंड लिंक दिस एंड देन इंक्रीज द पिक्सल्स. सो इफ आई वॉन्ट दिस शेप, आई कैन क्लिक ऑन फाइल एंड सेव. जब मैं यहाँ पे इसको सेव करूँगी एंड इफ आई क्लोज दिस, एंड यू विल सी कि यहाँ पे नॉट ओनली द वन जो हमने सेलेक्ट किया था, बट यहाँ पे जितनी भी शेप्स थी उन सब पे वो अप्लाई हो गया है. फाइन, सो यू कैन सी नाउ यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई वाज सेइंग कि हाउ कैन वी यूज स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स एंड लाइव शेप प्रॉपर्टीज इन ऑर्डर टू वर्क विद डिफरेंट शेप्स. यू विल अंडरस्टैंड दिस कि हम कैसे, एक तो हमने उसकी लाइव प्रॉपर्टी को यूज़ किया, लाइव शेप प्रॉपर्टी को यूज़ किया एंड स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के बाद हम कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं. फाइन, सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.